हेलो दोस्तों, एजुकेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में बात करेंगे हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना न भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर पर हम अनेक तरह के कार्य कर सकते हैं। कोई भी काम कंप्यूटर से कराने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला तो है सॉफ्टवेयर एंड दूसरा है हार्डवेयर। इन दोनों के बिना कंप्यूटर पर कोई भी कार्य नहीं कराया जा सकता। कंप्यूटर के कलपुर्जों, मशीनों आदि को हार्डवेयर कहा जाता है। सिंपल भाषा में कहें तो हार्डवेयर मीन्स विच वी कैन सी एंड टच इट, जिन्हें हम देख सकते हों और छू सकते हों, वे सभी चीज़ें हार्डवेयर कहलाती हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर को हम अपनी आँखों से देख सकते हैं और हाथों से छू भी सकते हैं। टर्मिनल सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव इत्यादि, ये सभी हार्डवेयर के एग्जाम्पल हैं। सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर मीन्स विच वी कैन सी एंड कैन नॉट टच इट, जिन्हें हम देख सकते हों लेकिन छू नहीं सकते हों, वे सभी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जिनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं या कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर की मदद से हमारा कंप्यूटर सिस्टम चलता है, जिनके द्वारा हमारे सारे काम कराए जाते हैं। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर से कोई भी काम कराया जाना असंभव है। सॉफ्टवेयर भी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है जिनका काम सिस्टम अर्थात कंप्यूटर को चलाना तथा उसे काम करने लायक बनाए रखना। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर में जान डालता है। बिना इसके कंप्यूटर बेजान मशीन बनकर रह जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर के मुख्य भाग होते हैं। इनके अलावा विंडोज 7, विंडोज 10, लिनक्स, विंडोज 95, 98, 2000, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, ये ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है जो हमारे असली कामों को करने के लिए लिखे जाते हैं। आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों के लिए भिन्न भिन्न सॉफ्टवेयर होते हैं। वेतन की गणना करना, लेन देन का हिसाब, वस्तुओं का स्टॉक रखना, बिक्री का हिसाब रखना, पत्र लेखन आदि तैयार करने के लिए, चित्र बनाने के लिए, ऑफिशियली वर्क करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सहायता से हम अलग अलग प्रोग्राम पे काम कर सकते हैं। अगर आपको टाइपिंग करना है तो आपको टाइपिंग मास्टर की आवश्यकता होगी। अकाउंट का काम करना है तो टैली की आवश्यकता होगी। फ़ोटो डिजाइन करना है तो फोटोशॉप की आवश्यकता होगी। किसी के कुंडली देखना है तो कुंडली सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से अलग अलग सॉफ्टवेयर की आपको आवश्यकता होगी, जिसका मार्केट में आपको पैसे देके ख़रीदना होता है। पैकेज होता है सॉफ्टवेयर, या तो खुद आप तैयार करेंगे या तो मार्केट से खरीद के अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, तब जाके आप काम कर सकते हैं। MS ऑफिस सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, क्योंकि बिना इसके ऑफिस के कोई भी कार्य करना असंभव है। तो आशा है आज की वीडियो में आपने अच्छी तरीके से हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बारे में सीखा और सॉफ्टवेयर टाइप्स के बारे में जाना। तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना न भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।